हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि एनपीसीआई तारापुर के प्लांट ऑपरेटर का एडमिट कार्ड आ चुका है। और ये मैंने अपना मेल खोल लिया। जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं एग्जाम के लिए, उनको मेल पर एडमिट कार्ड को मेल कर दिया गया और मोबाइल पर भी टेक्स्ट मैसेज कर दिया गया। और आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। हालाँकि एक बात ध्यान रहे, आप लोग एडमिट कार्ड को एग्ज़ाम के पहले ही डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा और एक दो एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका मतलब हो जाए या कुछ ख़राब हो जाए एडमिट कार्ड और फिर आपका एग्ज़ाम के समय दूसरा नहीं निकलेगा। क्योंकि इन्होंने एक खास अपडेट दिया है कि एग्ज़ाम के 48 घंटे पहले ही जो आपका है वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड होना बंद कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आपको मतलब बहुत पहले ही बता रहे हैं, इसीलिए ताकि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, स्किप कर देते हैं तभी वह जानकारी आपको रहे, ऐसा ना बाद में आपको पछताना पड़े। तो ये आया मेल, हम खोल के देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, नुक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम तारापुर महाराष्ट्र स्टॉल 6 सितंबर 2023 को भी 5 बजे अपडेट आया कि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और मेल और मैसेज दोनों आ गया। तो देख लेते हैं। ये मेरा ऑपरेटर का एग्जामिनेशन सेंटर वही रहने वाला है, जो फीटर का और फीटर की और भी जो आईटीआई का इनका एग्जाम सेंटर, वही यानी एक एग्जाम सेंटर बनाया है क्या, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 1 अनुश्री टाउनशिप पिया बॉय सर वेस्टर्न रेलवे स्टेशन कुछ TAPP तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट पालघर महाराष्ट्र। 1 तारीख को होना है, 1 अक्टूबर को। स्टेज 1 और स्टेज 2, स्टेज 1 9:30 से 10:30 बजे तक होगा और स्टेज 2 11 बजे से 1 बजे तक होगा। हमको 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम मिलेगा। और आप एडमिट कार्ड को पूरा प्रिंट करा लीजिएगा। और ध्यान रहे, 2-3 एडमिट कार्ड गए, कम से कम 2 तो निकलवाइएगा, 2 एडमिट कार्ड। और उसमें आप कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो दिए हैं वो जान लेते हैं। पहला जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि रिपोर्टिंग समय से पहले ही उपस्थित होना है, रिपोर्टिंग समय से पहले समय परीक्षा के लिए उपस्थित होना है। परीक्षा 3 भाषाओं में होगी, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। और उसके बाद अनुशासन का कड़ाई से पालन करना है और परीक्षा शुरू होने के बाद बिना आप उनके परमिशन से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद बॉल पॉइंट पेन ले जाना है और उसमें कोई भी जेल पेन, इंक पेन या पेंसिल का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। और जो रबड़ या सफेदा जो आता है उसका भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। और OMR पर मतलब जो सर्किल करना है वो पूरा वृत्ताकार ही रहे, जैसा कि मतलब OMR से एक एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए जो आंसर करना है पूरे गोलाकार ही रहेगा। और अवांछित मार्क उस पर नहीं करना है OMR सीट पर। और ये बोल रहे हैं पाँचों ने उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है, प्रश्न पत्रिका में दी गई रफ सीट का प्रयोग है, कोई भी रफ सीट OMR सीट पर नहीं करना। वो आपको जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट दिया जाएगा उसी पर रफ सीट रहेगी, वहाँ आपने करना है। एक से अधिक उत्तर देंगे तो अमान्य माना जाएगा। और डिसेबिलिटी भरने में कहा करने में की गई किसी प्रकार की गलती का मूल्यांकन संभव नहीं है। अगर आप उसमें जैसे कुछ डिटेल भरने जाते हैं, अगर आप कुछ गलती कर देते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, नाम नहीं रोल नंबर हो गया, क्लासरूम हो गया और जो चीज़ है, तो उसमें अगर आप गलती कर देते हैं तो आपको सही नहीं होगा। इनको एक ही उमार दिया जाएगा, उसके बाद दूसरा नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान दें कि कोई भी एक डिजिट का भी उसमें मिस्टेक ना हो, मतलब एक भी जो सर्किल है उसमें कहीं कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो तुरंत आपको खराब हो जाएगा। और उस जान जा रहे हैं तो चलिए फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि, जैसे कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले जा सकते हैं। और कोई सूचना बोलना छिपाई गई दिख रही है तो आपकी अभ्यर्थिता यानी कैंडिडेट तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। और सारा चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मोबाइल सबका बैन रहेगा। और सलाह दी जाती है कि मोबाइल फ़ोन, बैग, कोई बहुमूल्य कीमती सामान सहित अपना व्यक्तिगत सामान परीक्षा केंद्र के बाहर रखें। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि लिखित परीक्षा के समय कीमती सामान न लाएं। NPCIL या परीक्षा केंद्र पर अधिकारी इससे संबंधित किसी प्रकार की क्षति के जिम्मेदार होंगे। यानी साफ मतलब यही है, आप जो भी आपका सामान ले गए हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हो जाता है कहीं चोरी हो जाता है या कहीं बाहर जमा करते हैं तो सब कोई भी जिम्मेदारी NPCIL नहीं लेगा। उनके यहाँ हो सकता है जमा कराएं, अंदर जमा कराएं या ना कराएं, लेकिन कहीं और कुछ अगर होता है आपके सामान के साथ उसमें जिम्मेदार आपका। और एक बार खाने पीने का जो भी व्यवस्था है खुद के पैसे से रहेगा। हाँ, जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको अपना वो जो TV है वो अपना ले सकते हैं, दिखा के टिकट बाद में लास्ट में एग्जाम खत्म होने के बाद। ये रहा उनका और NPCIL के पास पूरा अधिकार है लिखित परीक्षा को कैंसिल करने का। और लिखा है डाउनलोड करते समय यही लिखित परीक्षा से 48 घंटे पूर्व ई प्रवेश पत्र का डाउनलोड बंद कर दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ई प्रवेश पत्र को पहले ही डाउनलोड करके रखें और कम से कम 2 कॉपी रख लीजिए। खाने पीने का, खाना रहना पीने का जिम्मेदार आप जो भी खर्च होंगे वो आप करेगा, कोई भी बेसिक
मिस डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। एक घंटे का दो घंटे का रहेगा प्रारंभिक, एक घंटे का रहेगा एडवांस वाला, दो घंटे का रहेगा और उसके बाद में बताया जाएगा जिनके बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए या डिग्री के लिए। ठीक है, यही रहा एडमिट कार्ड, उसके बारे में जानकारी। ठीक है, नमस्कार। और कोई अपडेट आता है तो जरूर अपडेट आते ही देंगे कनेक्टिव।